हल्द्वानी में चोरों ने शनिवार की रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आधी रात असलाधारी चोर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में दाखिल हो गए और 2 क्विंटल की तिजोरी उठाई और फिर कार में लादकर उसे फरार हो गए। वही आपको बताते चले कि तिजोरी में लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है वो बताई जा रही है। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जहां शोरूम मालिक ने टीपी नगर पुलिस को तहरीर सौंपी और हालांकि पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया है केस को वर्कआउट करने के लिए, और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर सीसीटीवी को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ हथियारों से भी लैस थे क्या बाहर के, यहाँ के कुछ ट्रेस हुए? नहीं, ये अभी जब अभी विवेचना चल रही है और उसमें सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। हमारे यहाँ नवरात्रि पे बुकिंग वगैरह होती रहे तो अमाउंट तो थोड़ा ज़्यादा ही था, वो थोड़ा अकाउंट्स वाले बता ही देंगे अभी कैलकुलेशन के बाद, बट शनिवार और इतवार की रात को, शनिवार को हम लोग सब लोग इतवार की क्योंकि पहली नवरात्रि थी तैयारी करके घर गए 6 बजे के आसपास, रात को 12-1 बजे के आसपास, 12-12:30 के आसपास एज पर सीसीटीवी वो हमारे यहाँ अंदर आए और उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा था मेरा रूम और मेरे रूम की लॉकर, क्योंकि उनको पता था ये लॉकर यहाँ रखा है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी को ये पता नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये रखा है। वो आए, उन्होंने 1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे, ये सब सीसीटीवी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं। बेमौसमी बारिश